यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाइयां करते हुए कईयों दुपहिया वाहनों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर्स को जब्त किया गया है। साथ ही वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जब्त साइलेंसरों को नष्ट करने की कार्यवाही भी की जा रही। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों में दुपहिया वाहनों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर को जब्त करने अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ शिकायत मिलने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक यातायात पुलिस द्वारा अनेक वाहनों पर कार्रवाई करते हुए मॉडिफाइड साइलेंसर को जब्त किया जा चुका है। अभियान की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। जी सर, बताएंगे पुलिस द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, मॉडिफाइड साइलेंसरों को जब्त किया जा रहा है, सर क्या कहा? लगातार हमको एक शिकायत मिल रही थी कि जो बुलेट है उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लोग उपयोग करते हैं, जिसके कारण फटाके जैसी आवाज़ आती है और दुर्घटना की संभावना भी लगातार बनी रहती है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सिविल टीम का गठन किया हुआ है, जो शनिवार और रविवार की रात्रि को सिविक सेंटर में, इसके अलावा अन्य अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, और उसमें वाहनों को जो साइलेंसर लगा के रखे हुए हैं उसको जब्ती की कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी लगभग 100 से 150 साइलेंसर को हम लोगों ने जब्ती भी किया हुआ है, और एक हमने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। यदि आपको कोई शिकायत मिलती है आपके क्षेत्र में तो हमको उस 9479192029 इस नंबर पर हमको शिकायत भी दे सकेंगे, और इसमें हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। बहरहाल यातायात पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद मॉडिफाइड साइलेंसर लगे दुपहिया वाहनों की शहर में भरमार है, जो सड़कों से आवाजाही करते दूसरे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।